السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد برادران الإسلام सलात में वाक़ होने वाली कुछ गलतियों की तरफ़ हमने इशारा किया था उन्हीं ग़लतियों में से एक ग़लती जो एक मुसलमान से नहीं होनी चाहिए कि इंसान इस हाल में नमाज़ अदा करे कि उसका लिबास टखनों से नीचे हो टखनों से नीचे रखकर नमाज अदा करना हराम है वैसे भी चाहे हालत नमाज हो या हालत नमाज ना हो हर हाल में इंसान का लिबास मुसलमान का लिबास टखनों से ऊपर होना चाहिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा असफल मिन अल काबैन मिन अल इजार फिन नार कि टखनों से इंसान का इजार जितना नीचे होगा वो जहन्नम की आग में चलेगा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तीन किस्म के लोग ऐसे हैं कि अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा उनकी तरफ देखना गवारा नहीं करेगा उन्हीं पाक नहीं करेगा और कियामत के दिन उनके लिए दर्द, दर्दनाक अदाब है सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह ये कौन लोग हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तीन किस्म के लोग अपना इजार या अपना लिबास टखनों से नीचे रखने वाला अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बाद एहसान जताने वाला और झूठ बोलकर अपने सामान को बेचने वाला इनके लिए ये चार तरह का अदाब है अल्लाह इनसे बात नहीं करेगा अल्लाह इनकी तरफ नहीं देखेगा अल्लाह इनको पाक नहीं करेगा और इनके लिए बड़ा दर्दनाक आदाब है तो आप तस्वूर करें कि जो आदमी चाहे तकबर के साथ हो या आदमी तकबुर के साथ हो अगर अपना लिबास टखने से नीचे रखता है तो उसके लिए ही आदाब है और अगर ये मासीत ये गुनाह का काम नमाज में कोई मुसलमान करता है तो उसकी हरमत बढ़ जाती है और हालत नमाज में कुछ हदीसें नबी करीम अलैहि वसल्लम से वारिद हैं कुछ ने इन हदीसों को ईफ़ करार दिया है लेकिन एक हदीस ऐसी है जिसको ने सही भी करार दिया इबन मसऊद रजी अल्लाह तु की रिवायत है

तो अल्लाह ताला की निगाहों से वो आदमी गिर जाता है उस आदमी का कोई एतबार नहीं मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों ये हदीस नमाज के साथ खास है कि तब कब्बर के साथ अगर कोई आदमी अपना लिबास को टखनों से नीचे रखता है तो अल्लाह की निगाह में उस आदमी का कोई एतबार नहीं और बाद ने यह भी तफसीर की कि दीन में उसका कोई हिस्सा नहीं ये बड़ी शदीद वाइद है उस आदमी के लिए जो अपना लिबास टखने से नीचे रखता है और बसाओकात हमारे बाद भी ऐसे होते हैं जो अपना लिबास टखने से नीचे रखते हैं शेख बिन बाद रहीम से पूछा गया कि जो आदमी बिदाती है फासिक है अपना लिबास टखने से नीचे रखता है उस आदमी को इमाम बनाना कैसे है तो शेख बिनबाद रही फरमाते हैं कि ऐसा बिद आती जिसकी बिदात उसको इस्लाम से कुफर की तरफ ले जाती है ऐसे इंसान के पीछे नमाज अदा करना सही नहीं है जैसे कि मिसाल देते हुए फरमाया जहमिया उनके पीछे नमाज अदा करना दुरुस्त नहीं है लेकिन अगर बिदात मुफस्सिका इस्लाम से खारिज करने वाली ये बिदात नहीं है और इसी तरीके से कोई आदमी फासिक है अपनी दाढ़ी मुंडाता है या दाढ़ी तराशता है इसी तरीके से अपने लिबास को टकने से नीचे रखता है तो शेख बनबाज रहीम्ला फरमाते हैं ऐसा फासिक अगर इससे बेहतर इमाम न मिल सके तो ऐसी सूरत में इसको इमाम बनाया जा सकता है लेकिन कराहत के साथ लेकिन अगर इससे बेहतर इमाम मिलता है तो ऐसे फासिक को इमाम नहीं बनाना चाहिए तो जो इमा अपने लिबास को टखने से नीचे रखते हैं और जो मुसल्ली अपने लिबास को टखने से नीचे रखते हैं उन्हें सोचना चाहिए उन्हें गौर करना चाहिए कि एक फिस्क का वो इरतक कर रहे हैं एक हराम काम करते हुए नमाज अदा कर रहे हैं बसाओका हालत नमाज में गुना की शिद्दत इसके हुरमत बढ़ जाती है लिहाजा जब भी वो नमाज अदा करें बल्कि हालत नमाज में और ग़ैर नमाज में और ऐसा लिबास इस्तेमाल करें जो टखने से ऊपर हो जहन्नम की आग से बच जाएंगे, अल्लाह ताला के गदब से वो अपने आप को बचा लेंगे और अल्लाह ताला ने जो वईदें उनके लिए बना बयान की हैं उनसे अपने आप को बचा लेंगे अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह ताली हम तमाम मुसलमानों को अपना लिबास टखने से ऊपर रखने की तोफ़ी कदा फरमाए आमीन व आखरदादिल्लाबीन असल वरम्ब वर्क